कैसे आगे कैसे कमा। ध्यान मत दीजिए आप, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे दूसरे वाले हो, चाहे तीसरे वाले हो, ध्यान मत दीजिए। इस देश को बचाने वालों पर ध्यान दीजिए, बेचने वालों पर कतई ध्यान मत दीजिए। बेचने वाले का उद्देश्य कुछ और होता है, लक्ष्य कुछ और होता है, टारगेट कुछ और होता है। वो हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए उल्टे पुलटे स्टेटमेंट दे देते हैं और हम लोग कौवा कान ले गया, वो कौवे के पीछे दौड़ते अपना कान ध्यान नहीं देते। हम लोग देश को बचाएं, हम लोग प्रदेश को बचाएं, हम लोग इस जनपद को बचाएं, लखनऊ को बचाएं। हम लोग की जिम्मेदारी आज बहुत ज़्यादा हो गई है। देश बेचने वालों के बीच में और देश बचाने वालों के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है। सच बोलने वालों के बीच में और झूठ बोलने वालों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। जो सच बोलने वाले हैं वो राहुल जी के साथ आए और जो झूठ बोलने वाले हैं वो जहाँ दिखाई पड़ रहा हूँ तमाशा देखो। देखिए अब की अमेठी पता लग जाएगा और रायबरेली का जिंदाबाद है। एक लास्ट सवाल है, जो निकाय चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव में क्या रणनीति है, क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ाएगी? पूरे 756 नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतों में और सारे पार्षदों की सीट पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है और आने वाले समय में आपको परिणाम मिल जाएगा जब आपको क्लीन स्वीप दिखाई पड़ेगा। रानी साहिबा की पार्टी ज्वाइन करने से क्या लगता है, पार्टी को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी। जो मजबूती देखिए, इस वक्त जो स्तंभ लोग हैं, अगर स्तंभ लोगों को यह, और यही नहीं, आप हिमाचल में देख लीजिए, आप अन्य प्रदेशों में देख लीजिए, अब सब लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि अब हम सब की जिम्मेदारी आ गई है। जैसे एक बार देश गुलाम हुआ था तब लोगों ने कुर्बानी देना शुरू किया था, आज पुनः देश हमारा संकट में है। अगर देश बचाना चाहते हो तो आप सब लोग कांग्रेस पार्टी साथ खड़े हो। हिमाचल तो भाजपा दावा कर एक सरकार बन गई है। हाँ, बन गई है, आप खुद देख लीजिए परिणाम आ जाएगा। हिमाचल साफ है, गुजरात बचा हुए पहले वो।